एक गांव। उस गांव में बना एक पुराना कुआं और उस पुराने कुएं से जुड़ी कुछ धारणाएं जो ये बताती हैं कि उस कुएं में कुछ प्रेत आत्माओं का साया है। पहले ये कुआं गांव के बीचों बीच था, पर जब धीरे धीरे गांव से लोग गायब होने लगे तो उस कुएं की गहराइयों को भी तलाशने की कोशिश की गई, लेकिन जो भी उस कुएं के अंदर गया वापस नहीं आया। गांव वालों ने उस कुएं को पत्थर डालकर बंद भी करने की कोशिश की, पर अगली ही रात सारे पत्थर गांव वालों की छत पर गिरने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे पत्थरों की बारिश हो रही हो, और अगली सुबह वो कुआं फिर से पत्थरों की जगह पानी से भरा था। ऐसी ही ढेरों कोशिशें जब नाकाम रही तो गांव वालों ने कुएं के पास बने सारे घर खाली कर दिए और पूरा गांव कुएं से दूर हट गया, पर कुआं अब भी गांव के रास्ते में खड़ा था। और तभी से शुरू हुआ उस कुएं में मौत का एक अजीब खेल। और तभी से शुरू हुआ उस कुएं में मौत का एक अजीब खेल। कोई है? कोई है? निकालो मुझे यहां से। कोई सुन रहा है? मदद करो मेरी। कोई है? आवाज उस कुएं से आ रही थी जो वहां से गुजर रहे पवन ने साफ साफ सुनी। शायद कोई उस कुएं में गिर गया है। ये सोचकर पवन उस कुएं के पास चला गया और घबराते हुए बोला, मैं पास के गांव का घुसाम, निकालो मुझे यहाँ से, जल्दी करो, दम घुट रहा है मेरा, अंधेरा होने से पहले निकालो मुझे यहाँ से। अच्छा ठीक है, रुको, मैं निकालता हूँ। पर अब क्या करूँ मैं? देखो वहाँ पर पास ही मेरी कश्ती पड़ी होगी, उसे अंदर फेंको। ठीक है ठीक है, रुको, ये लो रस्सी, पकड़ में आई, पकड़ में आई। हाँ मिल गई मिल गई, मैं अपनी कमर से बांध रहा हूँ, हाथों के सहारे से पकड़ के ऊपर आऊंगा। ठीक है, हाँ खींचो खींचो रस्सी, तुम खींचो, हाँ खींचो खींचो रस्सी, तुम खींचो। कुछ देर हो गई, पर पवन के लिए उस आदमी को सिर्फ हाथों से ऊपर खींचना आसान नहीं था। को अपनी कमर से बांध लो और फिर हाथों से खींचो, काफी मदद मिलेगी तुम्हें, खींचो। पवन ने वो रस्सी अपनी कमर से बांध ली और पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगा। हाँ खींचो, मैं आ रहा हूँ बाहर। हाँ जोर लगा पवन, पवन और जोर लगा पवन। पवन अचानक रुक गया, मैंने तो अपना नाम उसे बताया ही नहीं, फिर उसे कैसे? सिर्फ इतना सोचना ही था कि एक जोरदार झटके ने पवन को उस अंधेरे कुएं में खींच लिया। उस दिन के बाद किसी को पता नहीं चला कि पवन कहाँ गया। कुछ दिन गुजर गए, तभी वहां से गुजर रहे एक बूढ़े राहगीर को उस कुएं से एक आवाज सुनाई थी। ये किसी बच्चे के रोने की आवाज थी। ये किसी बच्चे के रोने की आवाज थी। उस बूढ़े को लगा कोई बच्चा यहाँ खेलते खेलते उस कुएं में जा गिरा है। वो बूढ़ा इस कुएं की कहानियां जानता था, इसलिए डरकर कुएं के पास ही खड़ा रहा और मदद के लिए किसी का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में उसे दो राहगीर आते दिखाई दिए। बूढ़े ने उन्हें आवाज लगाई और
मदद के लिए कुएं के पास बुलाए। अरे सुनो, अरे सुनो, यहाँ कुएं में किसी का बच्चा गिर गया है, अब मेरी मदद करो उसे बाहर निकालने में। यहाँ कुएं में किसी का बच्चा गिर गया है, अब मेरी मदद करो उसे बाहर निकालने में। बूढ़े के कहने पर उन दोनों राहगीरों ने बच्चे को निकालने की कोशिश की और थोड़ी ही देर में बच्चे को चुप कराकर उससे अपनी कमर पे रस्सी भी बंधवा ली। बच्चे को बाहर खींचना आसान था और आसानी से ही बच्चा कुएं से बाहर भी आ गया। वो कुछ 7-8 साल का बच्चा रहा होगा। दोनों राहगीर और वो बूढ़ा खुश थे कि उन्होंने एक बच्चे की जान बचाई। धन्यवाद बेटा, आज तुम लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तभी एक राहगीर ने कहा, अरे नहीं नहीं, इसे हमने नहीं आपने बचाया है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? संतोष। कहाँ के रहने वाले हो तुम? माँ कहाँ है तुम्हारी? माँ नहीं है। अच्छा, पर तुम्हारे बाबा तो होंगे ना बेटा, कहाँ है? उस बच्चे ने राहगीर को हंसते हुए देखा और उस बूढ़े की तरफ उंगली उठा दी और उस बूढ़े की तरफ उंगली उठा दी। उस दिन के बाद वो राहगीर भी गायब हो गए। कहा जाता है कि आजादी से पहले इस गांव में बहुत शातिर ठगों की टोलियां रहा करती थी, जिन्होंने कई बार वहां के लोगों और अंग्रेजों को ठगा था। पर एक दिन अचानक अंग्रेज सेना ने गांव पर हमला कर उन ठगों की टोलियों को खत्म कर दिया और मारकर सभी को उस कुएं में डलवा दिया। तब से उन ठगों की आत्माएं आज भी अलग अलग तरीकों से लोगों की जिंदगियों को ठग रही हैं। आज भी उस गांव में उस अंधेरे कुएं का मुंह खुला हुआ है और आज भी कोई मदद को पुकारता है। कोई है वहां?